सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको हिडन ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं भी आज देखूँगा। उसकी वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पर हमें एक वाटरफॉल भी मिलेगी और ये जगह जो है मोनाल से आगे कोई ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है। तो उस जगह का नाम है पाइन सिटी, पाइन वैली भी कहते हैं, और वहाँ पर एक सोसाइटी बन रही है तो उसे पाइन सिटी भी कहा जाता है। मोनाल में ऑलमोस्ट पहुँचा हुआ हूँ मैं, वहाँ से मेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ तक मैंने खुद ही रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और मोनाल तो हर कोई पहुँच जाता है। मोनाल से आगे का जो रास्ता है वो मैं आपको कम्प्लीटली गाइड भी करूँगा और मैं खुद भी आज पहली दफ़ा ही देखूँगा। तो आज यहीं चलते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं मोनाल। अब मोनाल से आगे मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरफ हमने जाना है। कर लिया मैंने गाइड, इधर नहीं जाना, ऊपर जाना है। यहां से नीचे नहीं, आपने ऊपर स्ट्रेट जाना है। ये रोड वैसे काफी जबरदस्त बना हुआ है। मैं इस तरफ आ चुका हूँ लेकिन पाइन सिटी की तरफ नहीं गया था, वहां से मैं स्ट्रेट चला गया था। यहाँ से डाइनो वैली है कोई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर है। और अच्छा, ये मोनाल से जो पाइन सिटी है ये आई थिंक कोई 20 किलोमीटर है। लेकिन रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है तो आप किसी भी गाड़ी बाइक पर आ सकते हैं। यार ये जगह भी बहुत मज़े की है। लास्ट टाइम यहाँ हम आए थे सनसेट देखने, जो कि हम नहीं देख पाए थे, लेकिन फिर भी यहाँ मज़ा बहुत आता है, स्पेशली जब मौसम अच्छा हो या फिर आप सनसेट देखने आए तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। ऊपर क्लाउड्स आए हुए हैं तो कभी छांव आ जाती है कभी धूप आ जाती है, लेकिन अच्छा वेदर है, बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही। जब आप पहाड़ों में और नेचर के करीब आए तो आपको ऐसे ही सुकून चाहिए होता है जहां शोर शराबा ना हो और खामोशी हो, ताकि आप इस नेचर को फील कर पाएं जो कि इस टाइम मैं कर पा रहा हूं। तो यहां से हो रहा है डिस्ट्रिक्ट हरिपुर स्टार्ट और ये है इस्लू ग्रिल। ये भी काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, मोस्टली बाइकर्स जो निकलते हैं वो इधर ही आकर नाश्ता वगैरह करते हैं। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ ये है डिस्ट्रिक्ट हरिपुर। उस दिन मुझसे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि हरिपुर की साइड से रोड कैसा है, तो ये देखें आप। जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ तक तो रोड बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, आगे का मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से आई थिंक कोई मैं 15-20 किलोमीटर तो आगे गया हुआ हूँ, वहाँ से फिर मैं वापस आ गया था। तो वहाँ तक तो रोड जो है बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है।
डाइनो वैली। गाड़ी से बंदा भी लटका हुआ है बाहर। खूबसूरत आई थिंक सो कि हम वहाँ पहुँचने वाले होंगे जहाँ से हमने नीचे टर्न लेना है, तो उस जगह को भी नज़र में रखना है, ऐसा ना हो कि आगे ही निकल जाएं। ओके जी, तो ये है पाइन वैली और ये नीचे जाकर है पाइन सिटी। रास्ता इसका नीचे काफ़ी मज़े का है। अच्छा, रोड इसका बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मज़ा आएगा। और नीचे एक वाटरफॉल भी है, यहाँ से तो खैर नहीं नज़र आ रही। तो ये आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा पाइन सिटी का, पाइन सिटी वाटरफॉल। तो यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट। ये वैसे बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह प्लांटेशन की है ना, कुछ ही सालों में ये रोड और भी खूबसूरत होगा। और उसके बाद पता नहीं, हो सकता है ये जगह सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए हो, आउटसाइडर को हो सकता है अलाउ ना हो, लेकिन अभी अलाउ है। ये आसपास भी रोड जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने इसी अपने रोड पर रहना है। आई थिंक के हम बस पहुंच ही गए हैं। यही है कोक एंड बुल रेस्टोरेंट। ये रास्ता नीचे जा रहा है, पहले इस तरफ चलते हैं, ये जगह देखते हैं, फिर आकर नीचे चलते हैं।
इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाइन सिटी में यार। काफ़ी खूबसूरत जगह है, के बीच में एक वैली है और चारों तरफ पहाड़ हैं और ग्रीनरी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये जगह। और खामोशी और सुकून जो है ना यहाँ पर, सब पैसे उसके हैं। अभी सीन ये है, एक छोटी सी वाटरफॉल इस तरफ है और वहाँ उधर पीछे जाकर वहाँ पर भी एक वाटरफॉल है। पहले ये चल के देखते हैं और फिर उस तरफ पीछे चलते हैं। वहाँ दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं वहाँ क्या है। ये रास्ता तो बस इधर तक ही है, उस साइड से घूमकर वहाँ उधर पीछे चलते हैं, वहाँ बाइक पार्क करके वहाँ से नीचे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेस्टोरेंट रनिंग में है? जी, चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ खाने में? शवरमा, सैंडविचेस, स्टेक्स, बारबेक्यू, ये सब आइटम्स होते हैं। ठीक है, और टाइमिंग क्या है इसकी? अच्छा, जब भी कोई ऑर्डर होता है। ठीक ठीक सही ठीक। तो अभी मैंने कंफर्म कर लिया, ये पीछे रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर आप जब भी आते हैं तो आपको यहाँ खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बारबेक्यू भी है, फास्ट फूड भी है, तो आप इधर आकर खाने का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो कह रहे हैं जिस टाइम भी आते हैं तो इसी टाइम बना कर दे देते हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, एक सेकंड वाटरफॉल भी है, तो नीचे चलते हैं और वो चल के देखते हैं। दो मिनट यार रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं नीचे। वैसे यार ये जगह मेरे मतलब की है, क्योंकि शहर के करीब कभी आप बोर हो रहे हो और आपको ऐसी पीसफुल जगह की तलाश है तो ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, वीकेंड पर शायद रश होता होगा, लेकिन इस टाइम तो बिल्कुल रश नहीं है। कि हम दो मिनट रिलैक्स करते हैं, मैं यहाँ से सामने जो व्यू है वो आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ 5 मिनट रिलैक्स करता हूँ और फिर नीचे चलता हूँ।
ये है मेरे बीच से मेन वाटरफॉल यहाँ की, और अभी टेम्परेचर भी डाउन हो गया है, सही कहते हैं। हालांकि इस टाइम गर्मी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आकर टेम्परेचर मुझे डाउन फील हो रहा है। हल्की सी हवा भी चल रही है और बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो गया है। तो मैं यहाँ बैठ कर थोड़ी देर चिल करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। पीछे भी यहाँ पर भी मैंने कुछ स्लो मो शॉट्स लिए हैं, तो वो आपको पसंद आएंगे, आप तब तक हो जा सकते थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इस व्लॉग को इस खूबसूरत लोकेशन पर ही एंड करते हैं। ये जगह मैंने भी पहले नहीं देखी थी, तो मुझे तो ये जगह पसंद आई। आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स में बताना है। बाकी वीडियो अगर यहाँ तक देखी है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।